हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस दिस एंड पॉइंट द कोऑर्डिनेट, ये तो इस टाइप के क्वेश्चन हो चुका है। जल्दी मैं फटाफट कर देता हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर निकाल लो। 5, -6 है और यहाँ पे -1, -4 है। बोल रहा है एक रेशियो बताओ इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो हम मान लेते हैं वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है पी, ठीक है, मान लेते हैं y एक्सिस पे एक पॉइंट P है जो कि इस लाइन सेगमेंट को k रेशियो 1 में डिवाइड करता है। ठीक है, हम एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाते हैं क्योंकि फिगर में आप और कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब भी रेशियो का क्वेश्चन हो तो P पॉइंट मान लेना जो कि k रेशियो 1 में डिवाइड करता है, ठीक है, और सेक्शन फॉर्मूला लगा देना और बाद में क्या करना, लिख देना वाई एक्सिस पर एक्स इक्वल टू जीरो होता है तो के मिल जाएगा। तो पी पॉइंट क्या आएगा, k इंटू -1 माइनस का k, 1 इंटू 5 प्लस का 5 अपॉन k प्लस 1 कॉमा k इंटू -4 यानी माइनस का 4k, 1 इंटू -6 माइनस का 6 अपॉन k प्लस 1। यही तो आएगा, चेक कर लें, यही तो आएगा, चेक कर लीजिए। तो अगर ये आपका p पॉइंट आ गया है, तो हमसे बोला था y एक्सिस डिवाइड करती है, तो एट वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो, तो इसको जीरो कर दो, तो माइनस के प्लस 5 अपॉन के प्लस 1 को कर दो जीरो के बराबर, तो माइनस का के प्लस 5 जीरो हो जाएगा, तो के तो आ जाएगा 5, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो रहेगा इस पॉइंट का क्योंकि ये वैल्यू जीरो है पूरी। अब यहां रख दो के किलो 5, तो माइनस का 4 इंटू 5 माइनस का 6 अपॉन 5 प्लस 1, तो 0 कॉमा माइनस का 26 अपॉन 6, यही सेम क्वेश्चन था ऐसे, 0 कॉमा माइनस 13 अपॉन 3 मुझे याद आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन सेम ही था शायद, ठीक है, तो ये माइनस का 13 अपॉन 3 आ गया। जीरो का डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।